हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का CNG वेरिएंट। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ है, CNG आया हाथ में, तो वो भी आया बिल्कुल बेस मॉडल मतलब सिग्मा वेरिएंट के साथ। इसमें कंपनी ने बहुत सही करा। जनरली हम देखते थे बीच के दो वेरिएंट में ये CNG दे देते थे, लेकिन इसमें बेस और सेकेंड वाला डेल्टा, सिग्मा और डेल्टा, इन दोनों में आपको CNG चूज़ करने के लिए ऑप्शन दे दिया है। ये अपने आगे बिल्कुल शुरुआत है, यहीं से स्टार्टिंग होगी। बहुत से लोग हैं जो डेल्टा प्लस वेरिएंट चूज़ कर रहे हैं फ्रॉन्क्स में, अगर CNG नहीं भी ले रहे तब भी। और बहुत सारी जनता है जो बलिनो के साथ साथ फ्रॉन्क्स में भी ले रही है बिल्कुल बेस मॉडल, उनके लिए तो ये मतलब ऐसा हो जाता है बिल्कुल लूट वाला मौका। कीमत कितनी है सबसे पहले ये आता है सवाल, लेकिन ये सवाल का जवाब खुद मारुति ही देती आ रही है। जो नॉर्मल इनका पेट्रोल वेरिएंट होता है उससे सिर्फ 95,000 रुपये, 95,000 रुपीज़, चाहे गाड़ी कोई सी भी हो, ये ऊपर लेते हैं और आपसे CNG के चार्जेस ले लेते हैं, CNG का सेटअप दे देते हैं। एक एक करके सारी चीज़ बताऊँगा, और सबसे बढ़िया चीज़ जो लोगों को देखनी है, इसके बूट में किस तरह से सिलेंडर बैठा है वो भी दिखाऊँगा। फिलहाल सामने से जो लुक है इसका वो वही ज़बरदस्त वाला। फ्रॉन्क्स की स्पेशलिटी यही है, एक तो आपको मिला है ऊपर ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का, और दूसरी चीज़ है जो आज के समय का 22 लाख रुपए की ग्रैंड विटारा आपको मिलती है, वो वाला फ्रंट फेसिया ज़बरदस्त। यहाँ पर हम देखते हैं तो बेस मॉडल में आपको मिल जाता है इस तरह से पायलट लैंप, अंदर नॉर्मल हैलोजन बल्ब छोटा वाला टिन्ना मुन्ना, और यहाँ पर हो जाता है अपना क्या इंडिकेटर। नीचे आ जाते हैं प्रोजेक्टर, और ये आपको मिल रहा है हैलोजन बल्ब के साथ। हाई एंड लो यही काम करेगा, और जितने भी लोग हैं ज़्यादातर क्या करते हैं सीधा गाड़ी लेते हैं इसमें लगवा लेते हैं LED, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फीलिंग दे देता है। बीच में आ जाती है आपको वही वाली ग्रिल, कमांड करता हुआ बड़ा सा चौड़ा पट्टा अपना किस चीज़ का, क्रोम का, और बड़ा सा बीच में सुजुकी का लोगो, मस्त लगती है। बेस मॉडल में भी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको स्किड प्लेट दे दी है जो कि इसको भरा पूरा सा और प्रीमियम सा, ऐसा कहीं फील नहीं होने देती कि भाई ये बेस मॉडल है। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है कुछ साइड प्रोफाइल से गाड़ी। मस्कुलैरिटी जो कि एक पहचान होती है किसी भी क्रॉसओवर या फिर SUV की, मैं हालांकि इसको SUV नहीं कहता, कंपनी कहती है, लेकिन भाई जो भी है एरोडायनेमिक्स आपको इसमें मिल जाते हैं हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आ जाते हैं व्हील्स पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये व्हील बिल्कुल गाड़ी की शेप पर सूट करता है, मतलब अंडर साइज नहीं लगता बेस मॉडल होने के बाद भी। 195/60R16 16 इंच में आपको व्हील मिल जाता है। यार मैंने कीमत की बता तो दी थी 95,000 ऊपर होती है कितनी ये नहीं बताया, तो भाई ये पड़ती है आपको 8,41,000 रुपये की, 8,41,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम। और अगर बात करें रुद्रपुर की अपने उत्तराखंड की, तो यहाँ पर ऑन रोड पड़ती है आपको 9,70,000 रुपये की, 9,70,000 रुपीज़ की CNG में बेस मॉडल सिग्मा। ओके रिपोर्ट। आते हैं यहाँ पर, तो भाई पूरी की पूरी क्लैडिंग जो सामने से आती है ना वो पूरी घूम जाती है गाड़ी पर, क्लैडेड पार्ट दिख जाता है। इंडिकेटर क्योंकि बेस मॉडल है तो आपको यहाँ मिल जाना है, और ये हो गया अपने ORVM। बस यही एक मिस रहता है इसमें क्या कि भाई आपको ये रफ वाले मिल जाते हैं और हाथ से एडजस्ट होते हुए, अंदर से बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर डोर हैंडल, ये भी ब्लैक आउट है। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है, हालांकि ब्लैक कलर में है, लेकिन बढ़िया चीज़ें मिल रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना। और उसके साथ कंप्लीट लुक बढ़िया बढ़िया आपको बल्जेस जैसे मिल जाते हैं, चाहे यहाँ की बात करें चाहे आगे की बात करें। ओके रिपोर्ट। लंबाई कितनी है, तो भाई वही अपनी 4 मीटर के अंदर अंदर कितनी 3995 mm इसकी लेंथ है। ग्राउंड क्लियरेंस जो कि इसकी ताकत है इस समय, वो मिल रहा है आपको 190 mm का। और उसके साथ व्हील बेस देखते हैं, वो मिल जाता है आपको 2520 mm का। चलो अब आ जाते हैं कहाँ, इसके रियर की तरफ, क्योंकि मेन अट्रैक्शन जो भी CNG गाड़ी में होता है वो होता है रियर इसका। आखिर बूट में क्या तामझाम लगा रखा है, तो भाई एक चीज़ ऊपर से झांकते ही खुशी दे देती है कि सिलेंडर आपको काफ़ी नीचे रखा हुआ मिल रहा है। ये जो नीचे प्लेस सिलेंडर होता है यही खासियत है, ये स्पेशलिटी हो जाती है, चाहे हम वैगन आर की बात करें चाहे हम सलेरियो की बात करें, सब में सिलेंडर बिल्कुल फ्लोर पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। चलो एक बार इस लुक की जगह पहले आपको वही दिखा देता हूँ। अब गाड़ी अपनी मनपसंद की मतलब फेवरेट वाली ले रहे हो, तो उसमें परफ्यूम भी तो फेवरेट वाला होना चाहिए, इसीलिए अपने पास है इन्वॉल्व का 1 Musk परफ्यूम। इसकी स्पेशलिटी यह है कि इसमें बिल्कुल जो फ्रेग्रेंस है वैसा एक्सपेंसिव बॉडी परफ्यूम टाइप की होती है ना, जो सबको पसंद होती है वैसी, इसीलिए यह सबका फेवरेट बन जाता है। इस समय है ये मेरा पर्सनल फेवरेट, नहीं यकीन आता। ये देखो करीब 4-5 महीने हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए, और अभी भी इसमें थोड़ी बहुत खुशबू आ रही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल वेस्ट हो चुका है, ये अभी भी फ्रेग्रेंस है, इसीलिए मैं इसे फेंकूंगा नहीं, इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा
दूंगा, दोबारा से मंगवा ले, ये रहा अपने पास। और हाँ भाई, अच्छी चीज़ है, ये फैलता वगैरह बिल्कुल नहीं है, गर्मियों में ऐसा नहीं है गाड़ी में हीट हो के लीक हो जाए, कुछ नहीं, बढ़िया ऐसे पड़ा रहता है बेचारा कप होल्डर में एक तरफ, और आपको खुशबू देता रहेगा, प्रीमियम एक्सपीरियंस कराता रहेगा। अपनी इसी क्वालिटी की वजह से ही इन्वॉल्व वालों की तरफ से बेस्ट सेलर परफ्यूम सबकी गाड़ी में है, तो आपकी गाड़ी में भी होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा की तरह लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो और इस खुशबू को फील कर सकते हो। इन्वॉल्व वन मस्ट परफ्यूम। ये देखो क्या बात है, सिलेंडर आपको जो रखा हुआ दिख रहा है बिल्कुल नीचे दिख रहा है, देख रहे हो फ्लोर पे, कोई भी फ्रेम ऐसे ऊपर उठा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है 55 लीटर कैपेसिटी का अपना सिलेंडर, और ऊपर अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। इसमें आप क्या करोगे, पार्सल ट्रे नहीं लगाओगे, आप सीधा सीधा इसमें ऊपर ऐसे करके दो बैग रख लोगे, बड़े बैग इसमें आ जाएंगे, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। ठीक है, स्पेयर व्हील आपको इस जगह इस तरह से पूरा सेटल किया हुआ है, बुरा सा ना लगे तो ऊपर से कपड़ा ढक दिया, लेकिन फ्रेम में पूरी तरह से बोल्टेड है ये। यहाँ पर देखते हैं तो आपको इस तरह से मिल जाता है शट ऑफ वॉल्व, जो कि मैनुअल, और साथ में जो कि हमेशा से पहचान रही है मारुति की, इस चीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, कि यहाँ पर भी आपको एक वॉल्व मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ से तो हमेशा चालू रहता ही है, आप जैसे ही चाबी ऑन ऑफ करते हो, जैसे ही सप्लाई बंद होती है, तो यहाँ से भी ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। पीछे की गैस सिलेंडर की सिलेंडर तक ही सीमित रह जाती है ना, बढ़िया। अब ये CNG सेटअप नहीं लेते तो आपको इसमें मिलता है 308 लीटर का बूट स्पीड, लेकिन अगर CNG के साथ देखें तो कुछ इस तरह का आपको स्पेस मिल जाता है। और ऊपर से अच्छी चीज है कि भाई इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट ऑप्शन मिल रहा है। क्या करोगे आप, बेस मॉडल है, CNG है, अगर आपको तीन लोग बिठाने हैं गाड़ी में तो एक आगे बैठे, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ पर बैठ गया, तो भाई इस सीट को फोल्ड करके और भी सामान इसमें रख सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। जो नीचे के सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनमें CNG के साथ ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता स्प्लिट सीट वाला, तो थोड़ी सी मिस हो जाती है वहां पर कहानी, कि आप यार सीट गिराओगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी बैठ जाएगी ना, लेकिन यहां पर एक साइड की 40% को नीचे डाउन कर दो और भाई तीन लोग आराम से इसमें जा सकते हैं, बहुत सही। चलो बाकी पूरी कवरिंग दे रखी है, और अगर लुक की बात करें तो ये आपको मिल जाता है लुक, क्या बात ऊपर, अरे वाह भाई वाह, मस्त है। मैं पहली बार ये नोटिस कर रहा हूँ, जनरली येलो लाइट ही देती थी कंपनी यहाँ पर, है ना, ऊपर नंबर प्लेट के लिए, लेकिन यहाँ पर वाइट कलर की LED दे रखी है, ये भी अपडेट कर रखा है। ठीक है, बाकी अगर टेल लैम्प सेक्शन की बात करें तो ये ऑलवेज ऑन मोड में, क्योंकि मैंने अभी जला रखी है, ऑन कर रखी है लाइट, इस तरह से रात को जलते हुए दिखेंगे, तीन तीन लैम्बोर्गिनी स्टाइल में एरो जैसे, और बाकी LED का ही इंडिकेटर मिल जाता है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। पर एक चीज़ से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इसका डिज़ाइन से, इतने इतने से भाई रिवर्स लैम्प सिर्फ यहाँ पर ये टिन्ने मुन्ने से दे रखे हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर में चलते हैं, पता लग जाता है पीछे वाले को, लेकिन अगर ये आप एक्सपेक्ट करो बिल्कुल अंधेरे में रिवर्स गियर लगाते ही, जो लैम्प्स होती थी नॉर्मल वाली हैलोजन बल्ब वाली, वो थोड़ी सी रोशनी करती थी ना पीछे, इससे रोशनी नहीं होती, हाँ पीछे वाले का पता ज़रूर लग जाएगा कि रिवर्स गियर लग चुका है। 1, 2, 3, 4 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, रिवर्स पार्किंग सेंसर, उसके बाद बड़ी सी पीछे इस तरह से सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, और अपने इस फॉर्म में मतलब वर्टिकल फॉर्म में मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर, जो कि थोड़ा सा बम्पर को बड़ा बड़ा सा ऊंचा ऊंचा सा फॉर्म दे देते हैं। उसके साथ विंडशील्ड में देखते हैं तो आपको बेस मॉडल में मिल जा रहा है डिफॉगर, और ऊपर से हाई माउंट स्टॉप लैंप, और साथ में CNG का स्टिकर, जिससे पता लग जाए बाहर से भाई CNG गाड़ी है। ऊपर शार्फिन एंटीना भी है, ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, जो नेक्सा की जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं बेस मॉडल में भी कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स बना दे रहे हैं, जैसे कि ये टेल लैम्प, बढ़िया LED, उसके साथ साथ भाई पीछे डिफॉगर है, अंदर ऑटोमेटिक AC है, बिल्कुल जैसे ही अंदर जाऊँगा वो भी दिखाऊंगा, और ऊपर शार्फिन एंटीना है इस तरह से, यार मस्त है। ये चीज़ वो लगती हैं आपको कोई भी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी में। ठीक हो गई बात, इधर से हो गई कहानी, अब आ जाती है यहाँ पर बात। नॉर्मली हम पेट्रोल वाली लेते थे तो आपको क्या दिखता था इसमें, आपको दिखता था 37 लीटर की जो पेट्रोल की टंकी है उसका ढक्कन कैप, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या दिखेगा, अब आपको इसमें दोनों चीज़ें दिखेंगी, एक तो आप पेट्रोल डलवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसे यहाँ से, और दूसरा CNG डलवाओगे इस जगह से, बढ़िया। ये हो गया अपना सेफ्टी स्विच, मतलब जब तक ये बंद रहेगा तभी गाड़ी चलेगी, जैसे ये हटेगा मतलब ये कैप खुलेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप कितना भी सेल्फ मारते रहो जब तक ये बंद नहीं होगा स्टार्ट नहीं होगी, बढ़िया चीज़ है, सेफ्टी फीचर है। कब के लिए, CNG पंप पर जनरली ऐसे नोजल लगी होती है, कई लोग क्या करते हैं भाई हम नहीं बंद करेंगे गाड़ी, हम चालू रखेंगे उसी में भर दो, तो इसलिए ये कर रखा है ढक्कन खुलते ही गाड़ी बंद, कुछ भी कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लेट मिल जाती है जिसमें डिटेल लिखी हुई है क्या क्या, 55 लीटर मेन मुद्दा ये है, 55 लीटर की वाटर फिलिंग कैपेसिटी है यहाँ पर आपको मिल जाती है। ओके, रिपोर्ट हो गई यहाँ से, वैसे 55 लीटर मैं बता रहा हूँ लेकिन किलो में कितनी आएगी, तो 55 लीटर CNG का बैठता है 11 किलो, लेकिन 11 किलो पूरी नहीं आती, प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर बात करें तो आपको अच्छे प्रेशर पर 8.5 से 9 किलो मिल जाती है। चलो आती है बात इंटीरियर की, तो ये मिल रहा है आपको इंटीरियर, भाई फ्रंट से ही डिज़ाइन केवल ग्रैंड विटारा की तरह नहीं लगता, इंटीरियर भी आपको वैसा ही दे रखा ग्रैंड विटारा की तरह, ये चीज़ अंदर से फील गुड फैक्टर देती है ना, कि यार आप 8 लाख
45,000 या 8,41,000 की गाड़ी में, जो कि CNG के साथ है, आपको इंटीरियर वही मिल रहा है 22-23 लाख की गाड़ी का। डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरह से सॉफ्ट टच ब्राउन कलर में ब्लैक के साथ आपको दे रखा कॉम्बिनेशन। चारों के चारों पावर विंडो हैं, ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन, सेंट्रल लॉकिंग के लिए इलेक्ट्रिकली यहाँ पर बटन दे रखा है। यहाँ कोई बटन नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया था मिरर अपने हाथ से एडजस्ट होते हैं। सीट की बात करें, सीट अल्ट्रा कम्फर्टेबल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रखा है। एक बार क्या करें, इसको बंद कर देते हैं और एक बार इसको ही बंद कर देते हैं। चलो लो भाई लो, टू 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 मैडम ये करते रहो। यहाँ पर देखो आप बोल्स कितने बड़े बड़े हैं, तथा ये सपोर्ट ज़बरदस्त है। बलिनो मैं खुद चला रहा हूँ, सीट से मैं बहुत खुश हूँ। हेडरेस्ट आपको 5 मिल जाते हैं, देखो पीछे भी है इस तरह से और आगे भी दे रखे हैं, सारे के सारे एडजस्टेबल हैं। एक बार बैठते हैं इसमें, एक बड़ी अनोइंग सी चीज़ है, ऐसा लगता है ये टिक 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 खोपड़ी पे बज रहा है। देखो कितनी तेज है, नहीं ये मेरी वाली में नहीं है, शुक्र है, इतने टिकटॉक टिकटॉक आवाज। हाँ ये हो गया अपना क्लस्टर व्लस्टर ऑन, इसको करते हैं बंद। और ये देखो अंदर का माहौल आपको दे रखा है इस तरह से, दो डायल हैं, बीच में MID है, ये क्लासिक बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको टैको मिलता है, एक बार स्टार्ट ही कर लेता हूँ पहले, है ना। ये क्या बात है, गाड़ी स्टार्ट हुई है अभी है पेट्रोल पर और स्विच हो जाएगी ऑटोमेटिकली CNG पे। अभी ब्लिंक कर रहा है क्योंकि अभी ये पेट्रोल पर ही है। जैसे ही सारी चीज़ें RPM वगैरह सब कुछ स्टेबल होगा और टेम्परेचर सेंस कर लेगा कि हाँ ओके रिपोर्ट है, तुरंत ये देखो कट सी आवाज़ आई। आवाज़ थी अपना जो पीछे आपको मैंने वॉल्व दिखाया था ना, इलेक्ट्रिक वॉल्व उसकी, वो जैसे ही उसने सप्लाई छोड़ी यहाँ पर अपना चालू हो गई है CNG। कोई पता नहीं लगता यार, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं फील होता। ठीक है, तो ये हो गया अपना टैकोमीटर। क्या बात है ओए होए होए। ठीक है, यहाँ पर हो गया अपना स्पीडोमीटर और बीच में आप देखते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन। इधर आपको जो मिल रहा है टावर जैसा अलग अलग पॉइंट, ये है अपना जो पेट्रोल की टंकी है 37 लीटर की, उसका गेज। उसके साथ यहाँ पर जो दिख रहा है ये है CNG की टंकी, उसका गेज। ठीक, यहाँ पर हो गया अपना टाइम, उसके साथ टेम्परेचर और यहाँ पर हो गया कंप्लीट ओडो। ट्रिप की डिटेल आप यहाँ से इस तरह से चेंज करके देख सकते हैं इस डंडे से, बाकी इधर भी दे रखा है, इससे भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन माइलेज वाइलेज की दिख जाएगी। ओके रिपोर्ट हो गई। उसके साथ आ जाते हैं स्टेयरिंग व्हील पर, एक बार स्टेयरिंग व्हील ऊपर नीचे करके देखते हैं। ठीक है, टिल्ट है बस, टेलीस्कोपिक नहीं है, कोई भी रैपिंग नहीं है क्योंकि बेस मॉडल है, कोई भी इसमें आपको कंट्रोल्स नहीं मिलते क्योंकि बेस मॉडल है। लेकिन एयरबैग की बात करें तो एयरबैग आपको इसमें दो सामने के मिल जाते हैं और कोई भी इसमें इस समय एयरबैग नहीं है। हाँ 2-3-4 महीने बाद आपको 6 एयरबैग दिखने लगेंगे, जैसा कि आगे सरकार का है सिस्टम। लेकिन आप ये समझ लो यार, 20,000-25,000-30,000 रुपये बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं, स्टॉक मिल रहा है आपको किसका, हेडलैम्प का जो कि मैनुअल है, उसके साथ ये हो गया अपना वाइपर का जो कि मैनुअल है। यहाँ पर कंट्रोल आपको दे रखे हैं, मतलब बटन दे रखे हैं, स्विचेस दे रखे हैं। पहला ऊपर ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि अब स्टैंडर्ड हो चुका है ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, उसके साथ ESP और उसके साथ ABS, EBD सब कुछ स्टैंडर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर बटन दे रखा है स्विच करने का, इंटरचेंज करने का फ्यूल में। अभी यह CNG पर है, जैसे मैंने इसे एक बार दबाया ये हो गया पेट्रोल पे, किसी को पता नहीं चलेगा बिल्कुल पता नहीं लगा, है ना। उसके साथ फिर से मैंने दबाया, फिर से यहाँ पर हो गया CNG पे, दैट्स इट। हाँ, जब CNG पर आएगी तो एक कट सी आवाज़ आएगी, वो है उस वॉल्व की। देखो दोबारा से दिखाऊं, पेट्रोल पर हो गया कुछ पता नहीं लगा, जैसे ही इसे दबाऊंगा देखना ये आवाज आई, वो CNG की देगी ना आपको। RPM में, पावर में, किसी भी तरह का कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और दर्शाती है, दिखाती है यार कितना एडवांस हो चुका है CNG सिस्टम। यहाँ पर बाकी एक और मिल जाता है आपको हेडलैम्प लेवल को ऊपर नीचे करने का। लेकिन अच्छी चीज़ क्या लगती है इसमें भाई, ग्लॉस आपको मिलता है। ठीक है, एक बार इसकी फ्लो कम करें। हाँ, ग्लॉस आपको मिलता है सिल्वर कलर में, उसके साथ यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो कैसा बिल्कुल मतलब मस्त सा लग रहा है, ऐसा मैट मैट सा टेक्सचर है। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्राउन टेक्सचर मिल रहा है, ये ब्लैक, सारे के सारे कलर यहाँ पर आपको मिल जाता है। कार्बन फाइबर वाली फिनिश, ये बेस मॉडल में हरकतें दे रखी हैं, क्या बात है। नीचे आपको मिल जा रहा है बिल्कुल एडवांस सा, पूरे के पूरे लाइनअप में आपको मिलता है यही ऑटोमेटिक AC, बहुत सही। उसके साथ टिकटॉक का बटन ये बता ही दिया आपको। नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, तमाम फ़ोन रखने की, ग्लास कप ये सब रखने की जगह मिल रही है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, रिवर्स लगाएंगे जैसे ही हम तो, अरे भाई बड़ी जोर से बोली है, पी करके आपको यहाँ पर आवाज़ आ जाएगी रिवर्स गियर लगते ही। ठीक है, अंदर झांके एक बार, यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है। IRVM डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है, यहाँ कोई भी लैंप वगैरह नहीं मिल रही, लेकिन आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो यहाँ पर इस तरह लैंप की असेंबली। ओके रिपोर्ट, यहाँ कुछ नहीं है, उसके साथ यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब क्या चीज़ बची यहाँ पर, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बची, आम रस वगैरह इसमें भी नहीं आता, लेकिन आप
आफ्टर मार्केट वो भी लगवा सकते हो, मैंने खुद लगवा रखा है, डेल्टा है मेरे पास बलिनो में, तो उसमें भी यही चीज़ आती है बिल्कुल, लेकिन लग जाता है टॉप मॉडल वाला। तो कोई ऐसी खास परेशानी वाली बात नहीं कि आप बेस मॉडल क्यों लो क्यों ना लो, तो आप ले सकते हो, बहुत वैल्यू फॉर मनी इस समय जो नेक्सा एक्सपीरियंस दे रहा है वो मिल रहा है, चाहे बलिनो की बात करें चाहे ये फ्रॉन्क्स की बात करें। ओके रिपोर्ट हो गई, चलो यार अब पीछे चले एक बार, नीचे देखते हैं, डेड पैडल भी आपको मिल रहा है और एबीसी पैडल मिल जाता है, या छोटी सी जगह दे रखी है कुछ भी और ट्रम शटर में रखने के लिए। ओके भाई चलो अब जरा दिखाते हैं आपको पीछे का स्पेस, बढ़िया करके आगे जगह मिल रही है आपको, इसको कर लेते हैं एक बार बंद, और यहाँ ये मिल रहा है आपको स्पेस बढ़िया, मतलब 2520 mm का अगर आपको व्हील बेस मिल रहा है तो अंदर जगह क्यों ना मिले, मिलेगी ना, और आपको मिल रही है। ये हैंडर है सपोर्ट, कंफर्ट बहुत है, जो अपना ये है ना सस्पेंशन सेटअप पूरा का पूरा वो आपको हाईवे पर बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देता है, उसके अंदर का फील गुड फैक्टर, ओवरऑल फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ हैं। किसी को नीची लेनी है तो वो बलिनो ले सकता है, किसी को ये ऊंची ऊंची लेनी है थोड़े से ग्राउंड क्लियरेंस वाली अपडेटेड लुक वाली तो वो ये ले सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस अंदर एक जैसे ही ऑलमोस्ट मिलता है आपको। ऐसा नहीं है ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस है तो इसमें जाओ आपको बॉडी रोल वगैरह या नाचती हुई मिलेगी, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा भाई ऊंचा है तो थोड़ा सा करीब करीब 5% का डिफरेंस मिलेगा और आपको 1 से 1.5 का माइलेज कम मिलेगा, दैट्स इट। यहाँ पर आपको इस तरह से जैसे बताई दिया हेडरेस वगैरह सब कुछ ओके रिपोर्ट है, और क्या चीज़ बची है, नहीं सब कुछ एरी एरी है, ऊपर का हिस्सा पूरा आपको लाइट कलर में दे रखा है, नीचे का हिस्सा ब्लैक कलर में, जिससे एरीनेस बनी रहती है। चलो अब आती है बात कहाँ की, यहाँ की इंजन बे की, कोई भी स्पीकर वगैरह आपको नहीं मिलते क्योंकि भाई म्यूज़िक सिस्टम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इसको आफ्टर मार्केट लगवा ज़रूर सकते हैं, नहीं तो शोरूम से लगवा लो कोई बात नहीं। यहाँ पर आती है बातचीत किसकी, यहाँ की भाई, ये मिल रहा है आपको यहाँ पर वही 1.2 लीटर वाला मोस्ट रिफाइंड डुअल जेट और डुअल वीवीटी इंजन, भाई मजा ही बांध दिया, तो इतनी रिफाइनमेंट हो चुकी है इंजन का बिल्कुल भी पता नहीं लगता, और उसके ऊपर से जो माइलेज है उसने 4 चांद लगा रखे हैं। अगर पेट्रोल की बात करें, इसी गाड़ी को आप पेट्रोल में चलाओगे तो आपकी चलेगी ये मोटा मोटा 89 BHP की पावर के साथ और 114-115 Nm का टॉर्क देती है, लेकिन जब CNG सेटअप लग जाता है, जैसे कि अंदर रिड्यूसर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ CNG पे चलाने पर ये आपको देती है करीब 76 BHP की पावर, 76 BHP की पावर, और वहीं टॉर्क की बात करें तो मोटा मोटा 95-96 Nm का टॉर्क। ओके रिपोर्ट, लेकिन जिस चीज़ के लिए आदमी इतना लॉस खाता है या झेलता है, 1 लाख रुपए ऊपर देता है, वो है माइलेज। माइलेज अभी बताऊंगा, फिलहाल 4 सिलेंडर का इंजन है, 1200 cc का है, मस्त रिफाइंड अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है, नीचे पूरी की पूरी कवरिंग आपको दे रखी है इवन बेस मॉडल में भी, ठीक है। बाकी इसकी अगर इंजेक्टर रेल की बात करें वो आपको पीछे दिख जाती है, और यहाँ पर प्री फिल्टर भी आपको दिख जाता है, जो कि किसी भी तरह की मिक्सिंग या गंदगी आती है CNG में कभी भी हो सकता है, वो यहाँ पर जैसे अपना पेट्रोल में होता है भाई मिक्सिंग हो सकती है, पेट्रोल फिल्टर छान लेता है, वैसे CNG में भी हो जाता है, तो CNG यहाँ पर छन जाती है, वो आपके अंदर इंजन में नहीं जाती, उससे पहले पूरी सफाई हो जाती है, ये आपको मिल जाता है ऊपर पूरी की पूरी कवरिंग शांति बनाए रखने के लिए। अब आती है बातचीत किस चीज़ की, माइलेज की, तो भाई माइलेज जनरली अगर पेट्रोल में लेते हो तब भी अच्छी खासी देती है, कितनी 21 की 21 की जो कंपनी क्लेम्ड है, लेकिन अब बात आ रही है CNG की, आप दे रहे हो 1 लाख रुपए ऊपर, तो भाई इसमें आपको माइलेज मिलती है 28.51 की, जो कि इस समय मारुति के किसी भी गाड़ी को ले लो वो ताकत बन जाती है, एक तो CNG पे इनकी कमांड, CNG टेक्नोलॉजी पे, दूसरा लोगों का भरोसा सालों साल चलती है, जो मिथ होता था ना लोगों के दिमाग में कि CNG पे गाड़ी के इंजन ज़्यादा नहीं चलते, वो मारुति ने तोड़ दिया, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख किलोमीटर चली हुई कंपनी फिटेड मारुति की गाड़ियाँ जो CNG पर ही रन की हैं। तो ये थी अपने सामने नई नवेली जो फ्रॉन्क्स है, हुआ तो मचा ही दिया है, 13,000-13,500 यूनिट ये बिक रही हैं मंथली, उम्मीद कम थी कि इतनी ज़्यादा बिकेंगी, ये तो उम्मीद थी कि हाँ भाई सक्सेसफुल होने वाला प्रोडक्ट, लेकिन एकदम से लोगों ने हाथों हाथ लिया है, अच्छा खासा ऑल्टरनेट मिल चुका है किसका, बलिनो का, और अब एक और ऑप्शन मिल गया CNG में, तो बिल्कुल सिग्मा और डेल्टा दो आपको वेरिएंट मिलेंगे, नीचे वाले बेस मॉडल जैसे अपने आगे खड़ा है और उससे ऊपर वाला। कीमत बात करें 95,000 रुपये पेट्रोल से आप ऊपर दे सकते हो, इसकी बात करें तो ये आपको मिल रही है 8,41,000 रुपये, 8,41,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, और अगर रुद्रपुर आकांक्षा मोटर की बात करोगे उत्तराखंड में तो ये आपको पड़ेगी कितने की, मोटा मोटा 9,71,000 रुपये, 9,71,000 रुपीज़ की। तो भाई इस तरह से थी गाड़ी, इस तरह से था वीडियो, आपको गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।